हेलो स्टूडेंट, आइए देखते हैं क्लास सेवन का साइंस का अगला पार्ट। लेसन टू का, चैप्टर टू का अगला पार्ट दिया गया है डाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, मानव में पाचन। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ डाइजेस्टिव एंड एटलीस्ट ईट द अनसेस्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू द फूड इन साइड द बॉडी। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन क्या होता है, मतलब शरीर के अंदर भोजन कैसे, क्या उसमें क्रिया क्या होती है, एक्टिविटी क्या होती है, उसके बारे में कभी सोचा है? भोजन एक सत नली से गुजरता है। सत नली एक पतली नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। मुख गुहिका कैविटी, बकल कैविटी एंड इंड्स द एनस। बकल कैविटी से होकर के एनस तक जाता है। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। द बकल कैविटी फर्स्ट है डबकल कैविटी, दूसरा है फूड पाइप आर एसोफेगस, तीसरा है स्टोमस, चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन, पांचवा लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम एंड सिक्स है सिक द एनस। पहले पहला होता है जहाँ जाता है मुख गुहिका में, दूसरा उसके बाद ग्रास नली से ग्रसिका से होते हुए आमाशय तक जाता है, फिर तीसरा आमाशय तक जाता है, उसके बाद चौथा में आता है क्षुद्रांत छोटी आंत में, फिर उसके बाद पांचवा नंबर पे जाता है बृहदान्त। बृहदान्त मतलब बड़ी आंत में जो मलाशय से जुड़ी होती है, तथा लास्ट वाला होता है छठवां मल द्वार, गुदा से होते हुए उसके अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो निकल जाते हैं, बहुत लंबा मार्ग नहीं रहे। यह सभी भाग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। जैसे भोजन विभिन्न भागों में गुजरता है, उससे विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियों जैसे लाला ग्रंथि, यकृति, अग्नाशय, पाचक रस स्रावित करती हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देता है। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। आगे दिया गया है द माउथ एंड बकल कैविटीज। द माउथ एंड बकल कैविटीज, यहाँ पे फिगर्स दिए गए हैं पाचन, मानव पाचन तंत्र के। इसमें सारा सिस्टम बताया गया है, कहाँ पाला क्या है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवें तक पूरा इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है, स्ट्रक्चर में बताया गया है। आगे दिया है द माउथ एंड बकल कैविटीज, मुख एवं मुख गुहिका। अब आते हैं इसके बारे में, अलग अलग तरह से जानते हैं सीरियल नंबर से। तो पहला है बकल कैविटीज। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इग्नेशन। इग्नेशन वी च्यू द फूड विथ द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेज। ईच टूथ इज रोटेड इन ए सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। मुख गुहिका के बारे में, भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। आहार को अंदर लेने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गतिका से धसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पे फिगर्स में दिए गए हैं, दांतों के प्रकार दिए गए हैं, उसके बारे में बताया गया है। दांतों की व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार की होते हैं, विभिन्न प्रकार के कौन कौन से होते हैं। पहला होता है मोलर, चवर्लक, जिसको हिंदी में कहते हैं चवर्लक।
परमोलर अग्रचवर्णक, परमोलर अग्रचवर्णक। फिर उसके बाद आता है कैनिन, इसको कहते हैं रबनक। फिर आता है इंसीजर, इंसीजर मीन्स कृतंक, कृतनक, जो काटता है, जो भोजन को क्या करता है, काटता है। आगे दिया गया एक्टिविटी 2.2, वॉश एंड हैंड लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ अस योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड। टेक ए पीस ऑफ एन एप्पल आर ब्रेड एंड ईट इट, विच टीथ डू यू अस फॉर बीटिंग एंड कटिंग एंड। यहाँ पे तालिका दी गई, टेबल्स दिए गए, उसमें आपको बताना है कटिंग एंड बीटिंग टीथ कौन सा होता है, फिर उसके बाद प्रिसिंग एंड टेरिंग टीथ, फिर च्वेइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ। इसके बारे में आपको इस एक्टिविटी में करके बताना है, आपको देख करके अपने दांतों को देख करके उसको बताना है। दूध के दांत तथा अस्थायी दांत। एक्टिविटी 2.3, अब आइए एक्टिविटी क्रियाकलाप 2.3 के बारे में देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। देखते हैं, टेक टू टेस्ट ट्यूब, लेबल देम ए एंड बी। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट ऑन टी स्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस, इन टेस्ट ट्यूब बी कीप ऑन टेस्ट फुल ऑफ बॉइल्ड राइस फॉर आफ्टर च्वेइंग इट फॉर 3 to 5 minutes एंड 3-4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। दिया गया है दो परख नली लेते हैं, दो परख नली लेते हैं और उसमें एक परख नली में हम क्या करते हैं, मुख में लेकर के चावल एक चम्मच उबले चावल मुख से लेकर के 3 या 4-5 मिनट तक चबाएं तथा उसे दूसरी परख नली बी में लीजिए। दोनों परख नली में 3 या 4 ml जल डालिए। अब दोनों परख नलियों में आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालिए तथा उनका प्रेक्षण कीजिए। आप परख नली ए तथा बी में क्या अंतर देखते हैं, परख नली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है, परिणामों की चर्चा अपने मित्रों एवं अध्यापक से कीजिए। लाल रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जीभ एक मांसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर से तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। स्टार्च किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। आगे दिया, द टंग इज फ्लैशली मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। इट्स इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव इन ऑल डायरेक्शन। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग, वी अस फॉर आवर टंग फॉर टेक टॉकिंग। क्या आपको जीभ को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायक करती है। जीभ द्वारा की ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वादों का पता चलता है। क्रियाकलाप 2.4 द्वारा हम स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगाएंगे। अब क्रियाकलाप 2.4 को नेक्स्ट डे में पढ़ाएंगे।